Assalamu alaikum wa rahmatullah. Students, this is our seventh lecture on genetics. बेटा हम पढ़ रहे थे genetic disorders को और हमने genetic disorders को दो categories में divide किया था बेटा. एक gene disorder और previous lecture में बेटा हमने gene disorders को पढ़ लिया था, जिसको हमने detail में पढ़ लिया था. अब जो बेटा second type है genetic disorder का, that is chromosomal disorders. और इस लेक्चर में बेटा हम इन्हीं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे. बेटा आपके सिलेबस में क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में वहीं से तीन डिसऑर्डर दिए हैं, एक डाउन सिंड्रोम, क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम. कुछ सिंड्रोम्स हम ऐड करेंगे मगर आपके सिलेबस में बेटा, इवन नीट के सिलेबस में भी आपको यही तीन जो है सिंड्रोम्स मिलेंगे. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डाउन सिंड्रोम से. सो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स अब हम स्टार्ट करेंगे डाउन सिंड्रोम से. नाउ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स और स्टार्ट हम करेंगे बेटा फर्स्ट सिंड्रोम से, दैट इज डाउन सिंड्रोम. ना बेटा जो ये डाउन सिंड्रोम है इसको हम और एक नाम देते हैं मंगोलिज्म. ऐसा क्यों वो हम आगे देखेंगे. इसी तरीके से इसका और एक नाम है 21 ट्राइसोमी. अब बेटा ये जो डाउन सिंड्रोम है इसको सबसे पहले रिपोर्ट किया है, फर्स्ट रिपोर्टेड बाय लैंड ऑन डाउन, फर्स्ट रिपोर्टेड बाय लैंड डॉन डाउन. अब बेटा इस डिसऑर्डर में होता क्या है, इस सिंड्रोम में होता क्या है, इंस्टेड ऑफ नॉर्मल 46 क्रोमोसोम्स इसमें 47 क्रोमोसोम्स होते हैं. सो बेटा इसमें एक जो अफेक्टेड पर्सन है उसमें 47 क्रोमोसोम्स होंगे इंस्टेड ऑफ 46 क्रोमोसोम्स. Now, इसमें जो 47 क्रोमोसोम्स है, अब ये जो एडिशन हुई है क्रोमोसोम की, दैट इज 21 की इसमें एडिशन होती है, दैट इज व्हाई इसको हम कहते हैं 21 ट्राइसोमी. अगर आपको म्यूटेशंस का टॉपिक याद होगा मैंने उस टाइम पे आपको कहा था कि अगर एक क्रोमोसोम ऐड होगा दैट इज ट्राइसोमी, और इसमें जो एक क्रोमोसोम ऐड हुआ है दैट इज 21. So, इसमें 21 क्रोमोसोम जो है वो थ्री कॉपीज में प्रेजेंट होगा, तीन क्रोमोसोम्स होंगे 21 क्रोमोसोम्स के, होने चाहिए थे दो पेयर में मगर इसमें तीन होंगे. सो ऐड हुआ है क्रोमोसोम नंबर 21. सो 47 क्रोमोसोम इसमें क्या हुआ है, इसमें एडिशन हुई है, एडिशन ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21 की. 21, that is why इसको हम कहते हैं 21 ट्राइसोमी. नो बेटा एक इंसान में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, अब इसमें ऐसा क्या हुआ कि इसमें 47 क्रोमोसोम्स है. इसमें बेटा होता क्या है, इसमें ये जो डाउन सिंड्रोम है इसमें यूजुअली फीमेल्स में ओजेनेसिस के दौरान नॉन डिसजंक्शन होता है, पढ़ा था हमने म्यूटेशन में. अब नजर रख लीजिए यहां की तरफ. अब अगर बेटा फॉर एग्जांपल एक फीमेल है हमारे पास 44 प्लस XX, नाम एक फीमेल है बेटा, फीमेल है ना बेटा, जो ये फीमेल है जब इसमें ओजेनेसिस होता है, गैमेट फॉर्मेशन होती है, यूजुअली क्या होता है बेटा 23 क्रोमोसोम्स इसको जाएंगे, 23 इसको जाएंगे, बिकॉज जो गैमेट्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं ना. होगा क्या ओजेनेसिस में बेटा, इसमें क्या होगा, अब देखो बेटा 44 ये पेयर में है, हमने पढ़ा है 1-1 होमोलोगस होते हैं, एक बाप से एक मां से आता है, 2-2 ऐसे क्रोमोसोम नंबर 21 भी पेयर में होगा. अब 21 एक इसको जाना चाहिए था, एक इसको जाना चाहिए था, मगर बेटा इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें दोनों 21 क्रोमोसोम एक ही एग में जाएंगे. सो उसमें क्या होंगे 22 प्लस एक्स होना चाहिए था मगर इसमें अब आ जाएगा 23 प्लस एक्स.
और जो दूसरा एग है बेटा उसमें अब एक क्रोमोसोम कम हो जाएगा, दैट इज 22 + 21 + X। नाउ इस वाले एग में बेटा इंस्टेड ऑफ नॉर्मल 24 क्रोमोसोम्स इसमें आते हैं 23 क्रोमोसोम्स, 24 क्रोमोसोम्स इसमें आते हैं इंस्टेड ऑफ 23 क्रोमोसोम्स। देखो 23 प्लस एक्स 24। नाउ दिस एग, ये अब एबनॉर्मल एग है, नॉर्मल एग नहीं है बेटा, दिस इज एन एबनॉर्मल एग। इसको हम नॉन डिसजंक्ट एग भी कहते हैं, बिकॉज इसमें डिसजंक्शन होना चाहिए था, मगर इसमें क्या हुआ, नॉन डिसजंक्शन हुआ, तो इसको हम नॉन डिसजंक्ट एग भी कहते हैं। सो बेटा हुआ क्या इसमें, जो बोथ द क्रोमोसोम्स, बोथ द क्रोमोसोम्स ऑफ द पेयर, बोथ द क्रोमोसोम्स ऑफ द पेयर 21 passes into the same egg, passes into the same egg due to non-disjunction, due to non-disjunction during oogenesis, oogenesis के दौरान non-disjunction हुआ, उसी से बेटा ये जो oogenesis, उसी से क्या हुआ बेटा, उससे ये जो पेयर है 21 क्रोमोसोम्स का ये एक ही एग में चला गया। नाउ अब अगर इस एग में अब नजर रखिए यहां पे बेटा, अब साथ साथ इसको मेंशन भी करते चले जाए, पॉज ऑफ कर सकते आप, मेंशन करते चले जाए। नाउ बेटा अब अगर ये फीमेल है ना, अब इसकी शादी हुई जो है, अब अगर मेल है यहां, मेल को लेंगे बेटा, 46 क्रोमोसोम्स 44 प्लस एक्स वाई। नाउ ये मेल है, अब इस मेल में जो है नॉर्मल स्पर्म्स है, नॉर्मल स्पर्म्स है इसमें 22 प्लस एक्स, और दूसरे में है बेटा 22 प्लस वाई। नाउ अगर ये नॉन डिसजंक्ट एग, जो एबनॉर्मल एग है, इफ इट फ्यूजेस विद द नॉर्मल स्पर्म, अगर ये इस स्पर्म के साथ फ्यूज हुआ बेटा एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, अगर ये फ्यूज हुए आपस में, नाउ देखो क्या होगा, 23 प्लस 22 नाउ आ जाएगा 45 प्लस एक्स और एक्स, एक्स और एक्स। अब बेटा इसमें कितने क्रोमोसोम्स है, 44 प्लस एक्स एक्स, दिस इज 47, ये फीमेल होगी मगर इसमें डाउन सिंड्रोम होगा। अब ऐसे बेटा अगर ये वाला एग 23 प्लस एक्स, यही वाला एग इस वाले स्पर्म के साथ फ्यूज हुआ, इट बिकम्स 45 प्लस एक्स वाई, इट विल बी अ मेल, ये मेल होगा बेटा, मगर ये ऐसा मेल होगा जिसमें बेटा डाउन सिंड्रोम होगा। सो अगर आप इसका जीनोटाइप बनाना चाहे 47 में जो हमने भी देखा, सो इसमें फीमेल भी होगी, दैट इज 45 प्लस एक्स एक्स, ऐसे 45 प्लस एक्स वाई मेल होगा। सो इसका मतलब है डाउन सिंड्रोम अफेक्ट्स बोथ मेल्स एज वेल एज फीमेल्स, इट अफेक्ट्स बोथ मेल्स as well as female. So हुआ क्या बेटा, non-disjunct egg जो है, अगर fusion हुआ, fusion of non-disjunct egg with the normal sperm, non-disjunct egg with the normal sperm produces offsprings having 47 chromosomes instead of 46 chromosomes. So ये तो हुआ इसका cause कि इसमें 47 क्रोमोसोम्स क्यों आए ना बेटा। अब जब किसी इंसान को डाउन सिंड्रोम होता है तो उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं ना बेटा, सिम्टम्स हम देखेंगे यहां पे, सिम्टम्स जो पर्सन इसमें होता है, अफेक्टेड पर्सन, नंबर वन उसका राउंडेड फेस होता है, राउंडेड फेस, ब्रॉड फोरहेड, ब्रॉड फोरहेड, परमानेंट ओपन माउथ,
परमानेंट ओपन माउथ, प्रोट्रूडिंग टंग, उसकी टंग बाहर निकली हुई होती है, प्रोट्रूडिंग टंग, फरोड टंग, फरोस में होता है, फरोड टंग, फरोड टंग। मंगोलियन टाइप ऑफ आईलिड फोल्ड्स, जो मंगोल्स होते हैं, जो रेस है, इनमें वैसा ही मंगोलियन टाइप ऑफ आईलिड फोल्ड्स होते हैं, दैट इज व्हाई इसको मंगोलिज्म कहते हैं, मंगोलियन टाइप ऑफ आईलिड फोल्ड्स, जिसको आप एपिकैंथस भी कहते हैं, एपिकैंथस, एपिकैंथस। नेक्स्ट स्टब्बी फिंगर्स, इनकी फिंगर्स जो है दैट इज स्मॉल, स्मॉल फिंगर्स, ब्रॉड पाम, इनका पाम जो होता है वो ब्रॉड होता है, ब्रॉड पाम, ऐसे बेटा। इनका स्टेचर यूजुअली शॉर्ट होता है, ये शॉर्ट स्टेचर के होते हैं, शॉर्ट स्टेचर, शॉर्ट हाइट इनका होता है। नेक्स्ट इनमें बेटा हॉट एंड अदर ऑर्गन्स में भी डिफेक्टिव, हॉट एंड अदर ऑर्गन्स वो डिफेक्टिव हो सकते हैं। अंडर डेवलप्ड गोनाड्स एंड जेनिटेलिया, अंडर डेवलप्ड गोनाड्स, एस्टीज, ओवरीज, गोनाड्स एंड जेनिटेलिया, जेनिटेलिया। द पर्सन इज लाइकली टू गेट अल्जाइमर्स डिजीज, अल्जाइमर्स डिजीज में भी डिजनरेशन ऑफ ब्रेन हो जाता है बेटा, मेंटल डेवलपमेंट में मेंटल रिटार्डेशन भी होती है, मेंटल रिटार्डेशन, mental retardation, and the person is likely to get Alzheimer's disease and leukemia, Alzheimer's disease and leukemia, blood cancer, Alzheimer's disease में बेटा degeneration brain में हो जाती है, Alzheimer's disease and leukemia, so बेटा इस पर्सन में बहुत सारे सिम्टम्स आप देख रहे होंगे जो इस इंसान में होते हैं। सो बेटा मंगोलिज्म इसको कहा जाता है एंड ट्राइसोमी जो है 21। नाउ बेटा ये जो डाउन सिंड्रोम है इट डजंट रन इन फैमिलीज, ये फैमिलीज में रन नहीं होती, ये भी आप पॉइंट यहां पे याद रख लीजिए। डाउन सिंड्रोम जो है Do not run in families. Does not run in families. और जो पेरेंट्स होते हैं इनके, जिनको बेटा मंगोलिज्म होते हैं, इनके पेरेंट्स का जो जीनोटाइप होता है दैट इज नॉट, पेरेंट्स आर जीनोटिपिकली नॉर्मल, जीनोटिपिकली नॉर्मल, जब पेरेंट्स नॉर्मल होते हैं, अब अगर क्या हुआ बेटा नॉन डिसजंक्शन हुआ, उससे डाउन सिंड्रोम वाले जो बच्चे हैं पैदा हुए ना बेटा। डाउन सिंड्रोम की एक फॉर्म है वो फैमिलीज में रन कर सकती है, दैट इज कॉल्ड फैमिलियल डाउन सिंड्रोम, फैमिलियल डाउन सिंड्रोम। फैमिलियल डाउन सिंड्रोम ना बेटा, फैमिलियल डाउन सिंड्रोम जो है नाम से ही पता चल रहा है, फैमिली, इट रन्स इन फैमिलीज, ओके ना बेटा। जो फैमिलियल डाउन सिंड्रोम है इसमें होता क्या है, जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 21 होता है, जो एक्स्ट्रा थर्ड क्रोमोसोम 21, जो एक्स्ट्रा इसमें क्रोमोसोम 21 आ जाता है, वो ट्रांसलोकेट हो जाता है यूजुअली टू क्रोमोसोम नंबर 14, जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम नंबर 21 है बेटा, इट गेट्स ट्रांसलोकेटेड टू, पढ़ा है हमने ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेटेड टू क्रोमोसोम
क्रोमोसोम नंबर 14 ट्रांसलोकेट यूजुअली होता है बेटा क्रोमोसोम नंबर 14, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोम नंबर 121 वहीं ट्रांसलोकेट हो जाता है, इसीलिए इसको हम रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन भी कहते हैं, रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन। उसमें बेटा एक क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम पे ट्रांसलोकेट हो जाता है, रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन। नाउ बेटा जब एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जो आ गया 21, नाउ इट गेट्स ट्रांसलोकेटेड टू क्रोमोसोम नंबर 14। अब होगा क्या, यूजुअली इस पर्सन का जो अब क्रोमोसोम नंबर है वो नॉर्मल होगा, क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स वो नॉर्मल रहेगा, बट उसमें क्या होगा, इसके पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोम नंबर 21 के जो जीन्स है वो आ जाएंगे, क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स नॉर्मल बट विद एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, बट विद एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 21 ऑन 14। सो यूजुअली अगर आप देखेंगे 46 होगा, मगर क्रोमोसोम नंबर 14 में चूंकि 21 क्रोमोसोम ट्रांसलोकेट हुआ है तो टोटल 46 होगा, मगर 14 पे एक्स्ट्रा जो जीन्स होंगे क्रोमोसोम 21 के वो ऐड हो जाएंगे। नाउ दिस टाइप जो है It run in families. ये families में run हो सकता है, इसको हम नाम देते हैं बेटा familial Downer syndrome. तो बेटा Downer syndrome आपने सीख लिया। अब बेटा इसी में, अब अगर सिर्फ 21 की trisomy नहीं होती है, 18 की भी देखी गई है, ऐसे 13 की भी trisomy हो सकती है, उन syndromes को हम अलग-अलग नाम देते हैं। इसी में हम add कर सकते हैं। यहां पे बेटा फर्स्ट अगर ट्राइसोमी हुई 18 की, 18 ट्राइसोमी, क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हुई, यानी एडिशन हुई, इसमें 21 ऐड हुआ था, इसमें क्रोमोसोम नंबर 18 जो है वो ऐड होगा। नाउ दिस कंडीशन इज कॉल्ड एडवर्ड सिंड्रोम, दिस इज एडवर्ड सिंड्रोम, एडवर्डस सिंड्रोम। नाउ बेटा एडवर्डस सिंड्रोम में क्या होता है, इसमें भी मेंटल रिटार्डेशन होती है, मेंटल रिटार्डेशन, और इसमें सिंडेक्टाइली होती है, इसमें फ्यूज्ड जो है फिंगर्स होती है, सिंडेक्टाइली, and the person dies within 6 months after birth. Iska lifespan usually 6 months ka hota. Now, aur ek agar 13 chromosome ki trisomy hui, 13 trisomy, chromosome number 13 add hua. Now, this condition is called Pardew syndrome. Pardew's syndrome. पार्ड्यू सिंड्रोम में क्या होता है बेटा, इसमें भी मेंटल रिटार्डेशन, पॉलीडेक्टाइली, मेंटल रिटार्डेशन, इसमें पॉलीडेक्टाइली, एडिशन ऑफ फिंगर्स टोस, पॉलीडेक्टाइली, माइक्रोसेफेली, इसमें बेटा जो स्कल है वो स्मॉल होता है, स्मॉल स्कल, माइक्रोसेफेली, एंड ये जो पर्सन है द पर्सन डाइज, जो ये अफेक्टेड बच्चा होगा ये डाई करता है विद इन 4 मंथ्स, इसका लाइफ स्पैन होता है 4 मंथ्स का, 4 मंथ्स का। सो बेटा ये हमारे पास आ गया 18 ट्राइसोमी एडवर्ड सिंड्रोम, 13 ट्राइसोमी पार्ड्यू सिंड्रोम एंड 21 ट्राइसोमी डाउन सिंड्रोम। नाउ नेक्स्ट हम लेंगे दैट इज क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, सेकंड That is Klinefelter syndrome. Second, Klinefelter syndrome. Now, Klinefelter syndrome में क्या होता है? इसमें भी एडिशन होती है क्रोमोसोम की। ये भी ट्राइसोमी है, मगर इसमें सेक्स क्रोमोसोम एक्स की ट्राइसोमी होती है। इसमें ट्राइसोमी होती है एक्स की।
ट्राइसोमी एक्स। नाउ बेटा ये भी है एन्यूप्लॉइड, ये भी एन्यूप्लॉइड है, इसमें भी एक क्रोमोसोम क्या होता है बेटा एड होता है, दैट इज व्हाई इसको हमने कहा दिस इज ट्राइसोमी एक्स। और जो अफेक्टेड पर्सन होगा उसका जो जीनोटाइप होगा वो ये होगा 44 प्लस एक्स एक्स वाई, उसमें एक एक्स ज्यादा होगा, ये उसका जीनोटाइप होगा। नाउ इंस्टेड ऑफ नॉर्मल 46 इसमें भी क्या होगा बेटा 47 क्रोमोसोम्स। डाउन सिंड्रोम में ऑटोसोम की ट्राइसोमी हुई थी, इसमें सेक्स क्रोमोसोम की ट्राइसोमी होती है ट्राइसोमी एक्स। नाउ इसमें क्या होगा बेटा एक एक्स ज्यादा होगा, 44 46 थे नॉर्मल, नाउ एक एक्स ज्यादा आ गया 47, सो इसमें एडिशन ऑफ एक्स होता है, एडिशन ऑफ एक्स क्रोमोसोम। नाउ ऐसा क्यों हुआ, नाउ अब आप इधर की तरफ नजर लीजिए बेटा, इसमें या तो नॉन डिसजंक्शन मेल में है या नॉन डिसजंक्शन फीमेल में है। अब देखो हम पहला केस लेंगे फीमेल्स में, फीमेल्स। नाउ बेटा ये एक फीमेल है, उसमें 44 प्लस एक्स वाई एक्स एक्स। नाउ बेटा जब गैमेट फॉर्मेशन होगा इसमें क्या होगा 22 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स, मगर अब यहां पे नॉन डिसजंक्शन हुई, ये दोनों एक्स जो है वो इसको चलेंगे, यहां पे आ जाएगा 22 प्लस एक्स एक्स, और यहां पे आ जाएगा बेटा 22 प्लस, यहां पे जीरो, कोई एक्स नहीं आएगा, नाउ दोनों एक्स इसको चले गए। अब बेटा अगर इस वाली फीमेल का ये गैमेट मेल के, दिस इज केस फर्स्ट, नाउ मेल के नॉर्मल स्पर्म के साथ फ्यूज हुई, देखो बेटा यहां पे 22 प्लस एक्स एंड 22 प्लस वाई। Now, अगर ये गैमेट इस वाले गैमेट के साथ फ्यूज हुआ, देखो कंडीशन क्या बनेगी 22 22, दिस इज 44 प्लस एक्स एक्स और वाई प्लस एक्स एक्स और वाई, ये जो होगा बेटा अफेक्टेड पर्सन इट विल बी ए जो है क्लाइन, इट विल हैव क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इसको क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होगा, 47 क्रोमोसोम्स है। अब ये भी फ्यूज हो सकता है, आगे हम ये कंडीशंस देखेंगे, अगर ये वाला इसके साथ फ्यूज हुआ ट्रिपल एक्स कंडीशन, वो भी हम आगे देखेंगे। फिलहाल हम क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पढ़ रहे हैं, तो केस नंबर 1 आ गया, नॉन डिसजंक्शन हुई किसके अंदर, फीमेल्स के अंदर, सो उस नॉन डिसजंक्शन की वजह से क्या हुआ एबनॉर्मल एग फ्यूज हुआ विद द नॉर्मल स्पर्म के साथ, और यहां पे जो है इंडिविजुअल बना उसमें 47 क्रोमोसोम्स है। केस नंबर 2, अब बेटा केस नंबर सेकंड हम यहां पे देखेंगे, केस नंबर सेकंड। अब देखो बेटा यहां पे हम नॉर्मल अब रखेंगे, यानी अब केस ये है कि यहां पे फीमेल के दोनों एग्स नॉर्मल है, मगर नॉन डिसजंक्शन हुआ मेल के, जो स्पर्म फॉर्मेशन है स्पर्मेटोजेन उस दौरान जो है नॉन डिसजंक्शन हुआ। अब होगा क्या बेटा, ये दोनों क्रोमोसोम्स एक्स वाई एक ही में आ जाएंगे, लेकिन भी यहां पे हम रखेंगे एक्स वाई, और यहां पे जीरो कंडीशन आ जाएगी। ना बेटा होगा क्या, अब अगर ये वाला है इस वाले एबनॉर्मल स्पर्म के साथ फ्यूज हुआ तो ये कंडीशन होगी, तो हम लिख सकते हैं बेटा ये कैसे अराइज हुआ क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इट इज ड्यू टू द यूनियन ऑफ एबनॉर्मल एग या नॉन डिसजंक्ट एग जिसको आप कहते हैं एबनॉर्मल एग and normal sperm or normal egg and abnormal sperm, it arises due to the fusion of abnormal egg and normal sperm or normal egg and abnormal sperm। ये आ गया हमारे पास बेटा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में होता क्या। Now, अब जब इस इंसान को ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है, ये क्या होता है फेनोटाइपिकली ये मेल होता है वाई की वजह से, बट इट इज हैविंग इसमें
ही इज हैविंग फीमेल कैरेक्टर्स, इसमें फीमेल कैरेक्टर्स होते हैं. सो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, इसमें जो मेल होता है वो सिटेराइल होता है, सिटेराइल मेल. इसीलिए हम इस मेल को फेमिनाइजर मेल भी कहते हैं, बिकॉज इसमें फीमेल कैरेक्टर्स होते हैं, फेमिनाइजर मेल. इसमें क्या होता है बेटा, अगर हम इसके सिम्टम्स को आप देखें, इसमें क्या क्या जो है सिम्टम्स होंगे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में. नंबर वन मैंने भी कहा, इसमें फीमेल कैरेक्टर्स होंगे, लाइक डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट्स, जिसको हम कहते हैं गाइनेकोमास्टिया. गाइनेकोमास्टिया पढ़ा था हमने, गाइनेकोमास्टिया, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट्स. इसमें बेटा फेमिनाइज्ड पिच्ड वॉइस जो होता है, उसमें हाई पिच होता है फीमेल्स का वॉइस में, तो उसमें फेमिनाइज्ड पिच्ड वॉइस इसमें आ जाती है. इसमें बेटा स्पार्स बॉडी हेयर्स, लिटिल बॉडी हेयर्स, में बॉडी हेयर्स बहुत कम होते हैं, स्पार्स बॉडी हेयर्स, बॉडी हेयर्स. इसमें बेटा जो पेलविस होता है, इनका पेलविस जो है ब्रॉड होता है, हमने पढ़ा था मेल में वो नैरो होता है, मगर इसका पेलविस जो है दैट इज ब्रॉड, ब्रॉड पेलविस. और इसकी जो लेग्स है वो लॉन्ग होती है, ये लॉन्ग, इसकी हाइट बहुत ज्यादा होती है, ये लॉन्ग होता है, इसकी लॉन्ग लेग्स होती है. और इसमें ओबेसिटी होती है, ओबेसिटी. और जो पेंस या टेस्टीज है उनका साइज बहुत कम होता, ठीक. जो स्ट्राइल मेल है उनमें बेटा साइज ऑफ टेस्टीज एंड पेनिस वो स्मॉल होते हैं. इसीलिए बेटा क्योंकि इसमें एजोस्पर्मिया कंडीशन हो जाती है, इसमें बहुत बल्कि नाम स्पर्म्स तो बनती ही नहीं है या बहुत कम बनती है, दैट्स व्हाई इट्स ट्राई मेल होता है. सो दिस इज क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम. नाउ नेक्स्ट इज टर्नर सिंड्रोम. अब बेटा नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड, दैट इज टर्नर सिंड्रोम. टर्नर्स सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम. नाउ बेटा टर्नर सिंड्रोम क्या है, इट इज मोनोसोमी. वो दो थी ट्राइसोमी, इट इज मोनोसोमी. इसमें एक क्रोमोसोम जो है वो कम होता, इसमें 45 ही होंगे इंस्टेड ऑफ 46. सो टर्नर सिंड्रोम जो है इट इज मोनोसोमी ऑफ एक्स, मोनोसोमी एक्स. इसमें एक्स क्रोमोसोम कम होता है, कंडीशन ये होती है इसमें 44 प्लस एक्स 0, इसमें एक क्रोमोसोम कम होता है. सो इट इज हैविंग 45 क्रोमोसोम्स instead of normal 46. और इसमें क्या हुई है, इसमें deletion, इसमें जो absent है that is absence of X chromosome. Now ऐसा क्यों हुआ, इसके भी दो cases हो सकते हैं, या तो non-disjunction male में हुई है या female में हुई है. चलो पहला हम देखेंगे, अगर female है यहाँ पे, अब female जो है that is 44 plus XX. Now, इसकी गेमीट्स फॉर्म हुए और डिसजंक्शन नहीं हुआ, नॉन डिसजंक्शन हुआ. Now, होगा क्या इन दिस केस, अब ऐसा हुआ 22 प्लस ये दोनों एक्स एक ही में गए, अब जो दूसरा है उसमें आ गया 22 प्लस 0 कंडीशन, उसमें सेक्स क्रोमोसोम है ही नहीं. अब अगर ये फ्यूज हुआ मेल के नॉर्मल स्पर्म से, इस वाली स्पर्म के साथ ये फ्यूज हुआ, दिस इज 22 22 44 प्लस एक्स जीरो कंडीशन. नाउ इसमें कितने होंगे बेटा, 45 क्रोमोसोम्स होंगे, इसमें टर्नर सिंड्रोम होगा, ठीक. और ह्यूमंस में सिर्फ जो मोनोसोमी होती है दैट इज ओनली टर्नर सिंड्रोम.
मैं आगे बताऊंगा ऐसा क्यों हो क्या सकता है सर। यहाँ पे 22 प्लस 0 ये y के साथ फ्यूज होगा, वहां पे बनेगा 22 प्लस y 0, वो वायबल नहीं होता, वो बनता ही नहीं। सिर्फ मोनोसोमी जो देखी गई है वो ये वाली है 22 22 44 प्लस x 0। अब दूसरा केस हम लेंगे, यानी पहले केस में फीमेल में नॉन डिसजंक्शन नहीं हुआ, मेल की स्पर्म्स नॉर्मल थी। केस नंबर टू हम लेंगे, अब फीमेल्स में जो है नॉर्मल है, नॉर्मल गैमेट्स, और मेल में बेटा नॉन डिसजंक्शन है। अब देखो यहां पे क्या होगा बेटा, 22 प्लस x, 22 प्लस x दूसरा केस है। केस सेकंड मेल में 22 प्लस x, 22 प्लस 0 और 22 प्लस xy यहां पे। अब नॉन डिसजंक्शन इन दिस केस स्पर्म्स में हुआ। अब अगर ये एबनॉर्मल स्पर्म जो है ये वाली, अगर ये इसके साथ फ्यूज हुई बेटा, दिस कंडीशन इज 22 44 प्लस x 0 या इसके साथ हुआ। सो बेटा अब देख सकते हैं इन आइदर केस, यहां पे हमारे पास आ गया 44 प्लस x 0, ये जो होगी बेटा ये फीमेल होगी, अभी मैं बताऊंगा, दिस इज टर्नर सिंड्रोम। और अभी मैंने कहा था ये वाली कंडीशन 44 प्लस y 0 ये बेटा बनेगा नहीं। ह्यूमंस में सिर्फ फीमेल टर्नर सिंड्रोम होता है, मेल में ये कंडीशन, ये वाली कंडीशन नहीं होगी, बिकॉज ये बच्चा जो है बनेगा ही नहीं, इट्स नॉट वायबल, ये वायबल ही नहीं होता है, ये वाली कंडीशन 44 प्लस y 0। नाउ टर्नर सिंड्रोम अब अगर किसी को होगा, क्योंकि इसमें y नहीं x है मगर, सो ये फीनोटिपिकली जो होगी फीमेल होगी, मगर ये भी बेटा सिट्राइल फीमेल होगी, सिट्राइल फीमेल। अब बेटा इसमें क्या होगा, इसमें ओवरीज जो हो वो रिड्यूस्ड होंगी, रिड्यूस्ड ओवरीज। इसमें यूट्रस जो होगा उसका साइज छोटा होगा, स्मॉल यूट्रस। इसमें भी बेटा मेल कैरेक्टर्स होंगे, फीमेल मेल कैरेक्टर्स। और हमने अभी पढ़ा था जो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है उसका स्टेचर जो है बड़ा होता है, मगर ये शॉर्ट होते हैं कि हाइट शॉर्ट होती है, और इनका जो पेलविस होता है वो नैरो होता है, पेलविस नैरो। और ये जो फीमेल है बेटा, शी मे नॉट मेंस्ट्रुएट और ओवुलेट, मेंस्ट्रुएट और ओवुलेट। इसमें या तो ओवुलेशन मेंस्ट्रुएशन वो होगा ही नहीं बेटा, और इसमें बेटा मेंटल रिटार्डेशन भी होती है। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में भी मेंटल रिटार्डेशन होती है, मेंटल रिटार्डेशन, इनका आईक्यू लेवल कम होता, मेंटल रिटार्डेशन। और दोनों जो है सेक्सुअली जो है वो स्ट्राइव है, वो रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं ले सकते हैं। तो ये हमारे पास और एक सिंड्रोम आ गया, दैट इज टर्नर सिंड्रोम, जिसमें मोनोसोमी, मोनोसोमी होता है जिसमें बेटा आपने पढ़ा था ट्राइसोमी एडिशन, मोनोसोमी जिसमें डिलीशन हो। सो इसमें एक क्रोमोसोम कम है, वो एक्स क्रोमोसोम है, सो इसमें 45 क्रोमोसोम्स है। नाउ बेटा एक दो सिंड्रोम्स हम और लेंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास आती है बेटा और एक, दैट इज कॉल्ड सुपर फीमेल, सुपर फीमेल। ये वो फीमेल नहीं है जो हवा में उड़ेगी, नहीं बेटा, सुपर फीमेल में क्या है, इसका जो जीनोटाइप होगा वो ऐसा होता है 44 प्लस, या तो ये कंडीशन होगी ट्रिपल एक्स कंडीशन, या ये 44 प्लस, या ये वाला भी देखा गया है 5x। सो इन दिस केस इसमें 47 होंगे, 48 होंगे और 49 क्रोमोसोम्स हो सकते हैं, इसमें डुप्लीकेशन होती है एक्स क्रोमोसोम की। सो 47 48 49 क्रोमोसोम्स भी इसमें हो सकते हैं। नाउ ये जो फीमेल होगी बेटा, इसमें एबनॉर्मल सेक्सुअल डेवलपमेंट होगा, एबनॉर्मल सेक्सुअल डेवलपमेंट एंड मेंटल डेवलपमेंट, वो भी एबनॉर्मल होगा, एबनॉर्मल सेक्सुअल डेवलपमेंट एंड मेंटल डेवलपमेंट। तो ये भी स्ट्राइव होगी, ये फर्टिलाइजेशन में पार्ट नहीं ले सकती है, सुपर फीमेल। ऐसे हमारे पास और एक है, दैट इज सुपर मेल,
इसमें बेटा क्या होता है सुपर मेल में, इसको हम कहते हैं पॉलीवाई सिंड्रोम भी, पॉलीवाई सिंड्रोम और जैकॉब सिंड्रोम, पॉलीवाई सिंड्रोम और जैकॉब सिंड्रोम। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें ये बात केस ऑफ 44 प्लस एक्स वाई वाई, ये कंडीशन हो सकती है पॉलीवाई सिंड्रोम और जैकॉब सिंड्रोम। अब बेटा इसमें क्या देखा गया है, इन पर्सन में जिनमें ये पॉलीवाई होता है, इनका क्रिमिनल बेंट ऑफ माइंड होता है, क्रिमिनल एक्टिविटीज में क्रिमिनल बेंट ऑफ माइंड, दैट इज व्हाई इसको हम क्रिमिनल सिंड्रोम भी कहते हैं, हम और एक नाम दे सकते हैं क्रिमिनल सिंड्रोम, क्रिमिनल सिंड्रोम, क्रिमिनल बेंट ऑफ माइंड। और बेटा जो ये वाले पर्सन होते हैं ये सेक्सुअली नॉर्मल होते हैं, दे कैन टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअली नॉर्मल है, इनमें ओवर प्रोडक्शन वाइफ में ज्यादा, इनमें ओवर प्रोडक्शन हो जाएगी मेल हॉर्मोन्स की, सेक्सुअली ये नॉर्मल है ना, ठीक। सो ये आ गया हमारे पास सुपर मेल सुपर फीमेल। सो बेटा ये हमारे पास कुछ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स थे जेनेटिक डिसऑर्डर्स में। तो इसी के साथ बेटा हमारा सेकंड टॉपिक सिलेबस का जो था जीन डिसऑर्डर्स को कंप्लीट हुआ। सो अब तक हमारे दो टॉपिक्स जो है कंप्लीट हुए, सेक्स डिटरमिनेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म्स एंड सेकंड है जीन जेनेटिक डिसऑर्डर्स में जीन डिसऑर्डर एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स और उनकी इनहेरिटेंस, बाकी वो भी हमने सीखी। अब बेटा इसी में एक चीज है, दैट इज पेडिग्री एनालिसिस। वो आपके सिलेबस तो नहीं दी है, सिलेबस नहीं दी है, मगर आपकी टेक्स्ट में उसको मेंशन किया है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम पेडिग्री एनालिसिस पे कुछ चीजें सीखेंगे कि पेडिग्री एनालिसिस क्या है। तो होप आपने ये सारी चीजें अब तक समझ ली होंगी, आपने कॉपीज भी बनाई ली होगी, और जहां कहीं पे भी आपको जिस जगह पे भी आपको कंफ्यूजन हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम अब इंशाल्लाह पेडिग्री एनालिसिस को स्टडी करेंगे। टिल देन स्टे होम स्टे सेफ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।